आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 13C का सवाल नंबर 12 व्यास 3 मीटर वाला एक कुआं, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई के एक वृत्ताकार बलय बनाते हुए सामान्य रूप से फैला दिया जाता है, सामान्य रूप से फैला दिया जाता है। इस प्रकार का बांध बनाया जाता है, उस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। जैसे मान लो ये आपका जमीन पर कुआं है, इसका व्यास 3 मीटर है और गहराई 14 मीटर है, ठीक है। व्यास 3 मीटर और गहराई 14 मीटर। अब इस कुएं का जो ऊपरी सिरा है ये कहाँ पर है? जमीन पर है, जमीन से खोदा गया है, ठीक है। तो जमीन से खोदा गया है, अब इस पर 4 मीटर चौड़ी, 4 मीटर चौड़ी एक बलयाकार चौतरा बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपकी जमीन के नीचे का हिस्सा है, ये जमीन के नीचे का हिस्सा है और ये जमीन के ऊपर का हिस्सा है जिसमें 4 मीटर चौड़ी, 4 मीटर चौड़ी ये आपकी बलयाकार बनी, 4-4 मीटर पूरा गोलाई से चारों तरफ से 4-4 मीटर है, चाहे यहाँ से नापो चाहे यहाँ से नापो कहीं से भी नापो ये 4-4 मीटर है। इस तरीके से बलयाकार एक चौतरा बनाया गया है, इस चौतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। लेकिन ये बनाया किससे गया है? इससे निकली हुई मिट्टी से बनाया गया है, कुएं से जो खोदी गई मिट्टी है उस मिट्टी के द्वारा बनाया गया है। तो बेलनाकार कुएं का व्यास बराबर 3 मीटर, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 3/2 मीटर और इसकी गहराई माने ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगी 14 मीटर। ऊंचाई 14 मीटर है माने गहराई, कुएं की गहराई जो है वो आपकी 14 मीटर है और उस कुएं की त्रिज्या जो है वो 3/2 मीटर है, ठीक है। तो बेलनाकार कुएं से निकाली गई मिट्टी को इस मैदान में गोलाई से फैलाया जाता है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इस बेलनाकार कुएं का आयतन निकाल लो, बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर, बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की जगह पे पाई बना रन दो, आर की जगह पे 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 14 घन मीटर। ये तो आपके नीचे वाले निचले कुएं का आयतन आ गया, ठीक है। अब इस मिट्टी को उठा करके कहाँ फैलाएंगे? ऊपर, तो ऊपर आपका जो कुआं है वो किस आकार का बन जाएगा? एक खोखले बेलन के आकार का बन जाएगा, खोखले बेलन का, क्योंकि जितना व्यास आपके कुएं का है उतनी जगह को छोड़कर के बाकी से 4 मीटर चौड़ाई पर आपको फैलाना है। तो भीतरी त्रिज्या चबूतरे की बलयाकार, बलयाकार चबूतरे की भीतरी त्रिज्या 3/2 मीटर है, लेकिन बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 3/2 + 4, तो ये 4 मीटर त्रिज्या क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 4 × 8 = 3, 11/2 मीटर।
तो बाहरी त्रिज्या 11/2 मीटर है और भीतरी त्रिज्या आपकी कितनी है 3/2 मीटर है। तो अब इसका क्षेत्रफल आयतन निकाल लो। बलयाकार चबूतरे का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। अब इसकी जगह मान रखोगे तो पाई यहां पर हो जाएगा 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और इंटू एच। तो पाई यहां पर आ जाएगा 121/4 माइनस 9/4 इंटू एच। तो पाई 121 में से 9 घटा देंगे तो 121 में 9 जाएंगे 112 बटे 4 इंटू एच घन मीटर। अब देखिए ये बलयाकार जो आपका चबूतरा बना हुआ है इसका आयतन जो है वो किसके आयतन के बराबर है, इस वाले कुएं के आयतन के बराबर है। बेलनाकार कुएं का आयतन जो है वो बलयाकार चबूतरे के आयतन के बराबर है। तो प्रश्नानुसार बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर बलयाकार चबूतरे का आयतन। और बेलनाकार कुएं का आयतन आपका निकला है पाई इंटू 9/4 × 14 बराबर बलयाकार। तो पाई इंटू 112/4 × h। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर दो, 4 से 4 कैंसिल कर लो, यहाँ पर बचा 9 × 14 = 112 × h। तो h बराबर 112 बटे 9 × 14 बटे 112। इसको काट दो, 14 × 14 = 112 होते हैं ना, 14 × 112। तो h बराबर 9/8, तो यहाँ पर आ जाएगा h बराबर 8 × 8, 1 बचा दशमलव लगा ली 0 बढ़ा ली, 8 × 8 = 16, 8 × 40 मीटर, 1.125 मीटर इस बलयाकार कुएं की ऊंचाई आ गई, बलयाकार चबूतरे की ऊंचाई आ गई। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है 13D और 13D में शंकु के आकार के छिन्नक के हमें बक पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ और आयतन निकालना है। तो छिन्नक माने जैसे आपने बाल्टी की आकृति देखी है, बाल्टी की आकृति एक छिन्नक की आकृति होती है, या की बाल्टी होगी और बाल्टी की जो आकृति है वो किसकी आकृति है, छिन्नक की आकृति है। छिन्नक में ऊपरी व्यास अलग है और निचला व्यास अलग है, क्योंकि ये व्यास और ये व्यास में अंतर है, दोनों की त्रिज्या में अंतर है। तो इसको हम मान लें R1 और इसको मान ले रहे हैं R2। ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई हो गई छिन्नक की और ये इसकी तिरछी ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो छिन्नक का जो आकार है वो एक शंकु का आकार है। जैसे मान लो आपके पास ये शंकु है और शंकु का सिरा अगर ऊपर से काट दिया जाए, शंकु का एक सिरा ऊपर से काट दिया जाए तो किस आकार में बन जाएगा, छिन्नक के आकार में बन जाएगा, क्योंकि ऊपर का सिरा काटोगे तो ये आकृति आपकी कैसी हो जाएगी, एक छिन्नक की आकृति हो जाएगी। ठीक है, तो छिन्नक में दो त्रिज्याएं हैं, एक तो R1 और दूसरी R2, या कैपिटल R स्मॉल R। ठीक है,
यहाँ पर आर वन, ऊपरी सिरा हमने आर वन मान लिया, बड़ी त्रिज्या आर वन मान ली, छोटी त्रिज्या क्या मान ली आर टू, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच की दूरी हमने h मान ली, और इस बाल्टी माने छिन्नक की जो तिरछी ऊंचाई है वो l है, ठीक है, तिरछी ऊंचाई l है। तो यहां पर बड़ी त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या r1, छोटी त्रिज्या r2, और बीच की दूरी h, और तिरछी ऊंचाई l। अब इसके फार्मूले, अगर इसके आधार की परिधि दे रखी हो, निचले आधार की परिधि छिन्नक के निचले आधार की परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई आर टू, निचले आधार की परिधि बराबर 2 पाई आर टू, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर टू, तो निचला आधार जो है वो आपका कैसा है वृत्ताकार है, तो इसकी परिधि बराबर हो जाएगी 2 पाई आर टू। लेकिन ऊपरी आधार की छिन्नक के ऊपरी आधार की परिधि बराबर 2 पाई आर वन, ठीक है, और निचले आधार का क्षेत्रफल भी यहां पे लिख सकते हो, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा निचले आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर टू स्क्वायर, निचले आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर टू स्क्वायर, और ऊपरी आधार का क्षेत्रफल जो है वो आपका हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर, ठीक है। तो इनके आधारों के क्षेत्रफल पाई आर टू स्क्वायर और पाई आर वन स्क्वायर। अब इसके बाद आ जाइए, सबसे पहला फार्मूला है कि छिन्नक का वक्रपृष्ठ बराबर, छिन्नक का वक्रपृष्ठ बराबर, ठीक है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, और यहां पर आर कितने हैं दो, एक आर वन है और एक आर टू है, तो यहां पर हो जाएगा पाई आर वन प्लस आर टू इंटू एल, फार्मूला वही रहेगा, शंकु का फार्मूला था पाई आर एल, तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ रहेगा, छिन्नक का क्षेत्रफल रहेगा पाई आर वन प्लस आर टू इंटू एच, ठीक है। फिर इसके बाद है तो ये वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, अब शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौन कौन आ जाएगा, एक तो ये वक्रपृष्ठ आ जाएगा, निचले आधार का क्षेत्रफल और ऊपरी आधार का क्षेत्रफल, ये तीनों जुड़ जाएंगे, तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ बराबर छिन्नक का वक्रपृष्ठ प्लस दोनों आधारों का के क्षेत्रफल का योग, तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ प्लस दोनों आधारों के क्षेत्रफल का योग, तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ आपने अभी लिखा है क्या है पाई आर वन प्लस आर टू एल प्लस ऊपरी आधार का क्षेत्रफल पाई आर वन स्क्वायर पाई आर टू स्क्वायर, ठीक है, ऊपरी आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर पाई आर वन स्क्वायर, और निचले आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर टू स्क्वायर, ये आपका पूरा संपूर्ण पृष्ठ बन गया। अब अगर इसको तोड़ना चाहते हो तो तोड़ सकते हो, इन तीन पद है और इन तीनों पदों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है पाई, पाई मिल रहा है ना कॉमन, तो इसमें पाई कॉमन ले लो, तो ये पहले वाले में क्या बचेगा आर वन प्लस आर टू एल और प्लस आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, ये पाई पूरा कॉमन है, ठीक है,
तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हैं कि पाई आर वन प्लस आर टू, पाई आर वन प्लस आर टू प्लस पाई आर वन स्क्वायर, या जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही लिखा रहने दो, या जैसे नीचे लिख दिया आपने कि सब में अगर कॉमन लेना है तो सभी में कॉमन ले लेंगे, पाई पहले ब्रैकेट में हो जाएगा आर वन प्लस आर टू एल और प्लस आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा फार्मूला है शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर। तो यहां पर देखिए शंकु का आयतन बराबर होता है एक बटे तीन, एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच, एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन छिन्नक का क्या है आयतन? पाई एक बटे तीन पाई, एक बटे तीन पाई, और जहां पर आर स्क्वायर लिखते तो वहां पे लिखना है आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू इंटू एच, एक बटे तीन पाई आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू इंटू एच। तो ये आपके छिन्नक के फार्मूले हो गए, एक तो छिन्नक का बक पृष्ठ, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ और छिन्नक का आयतन। अब इसके बाद छिन्नक में से कोई भी भुजाएं अगर निकालनी हो, जैसे मान लो दोनों त्रिज्याएं दे रखी हैं, ऊंचाई दे रखी है, तिरछी ऊंचाई निकालनी है, तो तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे? कि एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें तिरछी ऊंचाई निकालनी है तो तिरछी ऊंचाई बराबर एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, तो आप तिरछी ऊंचाई इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हो। तो ये आपके छिन्नक के फार्मूले हो गए, और इन फार्मूलों को लिखना है और इन्हें याद भी करना है। आपके पहले प्रश्न में देख भी रखे हैं कि छिन्नक का आयतन बराबर एक बटे तीन पाई एच आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू, जहाँ से अगली एक्सरसाइज समाप्त हुई है वहीं से तुरंत शुरू है। फिर इसके बाद है छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर वन प्लस आर टू इंटू एल, और शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई एल आर वन प्लस आर टू प्लस पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर, जैसे कि ये आपका दिया गया था पाई एल आर वन प्लस आर टू प्लस पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर, ठीक है। तो ये छिन्नक के आपके फार्मूले हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज का पहला सवाल 13D का पहला सवाल है एक शंकु के छिन्नक की त्रिज्या ऊंचाई, एक शंकु के छिन्नक की त्रिज्या ऊंचाई 4 सेमी है तथा इनके व्रति सिरों के परिमाप, व्रति सिरों के परिमाप यानी ऊपर और नीचे के सिरों के परिमाप परिधि 18 सेमी और 6 सेमी है, इस छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आकृति बन गई, इसकी तिरछी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और इनके आधारों की परिधि जिसे परिमाप, परिधि माने परिमाप, परिमाप माने परिधि, ये आपकी 6 सेंटीमीटर है और ये वाली आपकी 18 सेंटीमीटर, ये परिधियां दे रखी है, ठीक है। निचले सिरे की परिधि और ऊपरी सिरे की परिधि दे रखी है और इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले इनकी त्रिज्या ज्ञात करो, तो छिन्नक के निचले सिरे की परिधि बराबर 2 पाई आर टू, और निचले सिरे की परिधि कितनी है 6, 2 इंटू पाई इंटू आर टू, तो 2 से काट दो 3 आ जाएगा, तो आर टू बराबर 3 बटे पाई सेंटीमीटर, पाई को भी तोड़ा भी, ठीक है। फिर इसके बाद है छिन्नक के ऊपरी सिरे की परिधि बराबर
2 पाई आर वन। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 बराबर 2 इंटू पाई आर वन, 2 से काटोगे 9, तो आर वन बराबर आ जाएगा 9/π सेंटीमीटर। तो देखो आर वन आ गया 9/π और आर टू आ गया कितना 3/π सेंटीमीटर आ गया। और इसकी तिरछी ऊंचाई एल बराबर कितनी दे रखी है, एल बराबर दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छिन्नक का हमें क्या निकालना है, वक्रपृष्ठ निकालना है। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ बराबर, छिन्नक का वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर वन प्लस आर टू इंटू एल, पाई आर वन प्लस आर टू इंटू एल, मान रख दो पाई की जगह पे पाई, आर वन की जगह पे आ जाएगा 9/π प्लस 3/π इंटू एल की जगह पे 4, कितना लासा आएगा पाई, 9 प्लस 3 इंटू 4, पाई से पाई कैंसिल कर दो, 9 और 3 12 इंटू 4, तो 12 चौको 48 सेमी स्क्वायर इस छिन्नक का वक्रपृष्ठ कर दिया। इसी प्रकार से अगला दिया है, धातु की चादर से बना ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का, ऊपर से खुला है, ऊपर से खुला हुआ है। तो धातु की चादर से बना ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेमी है, को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए, 16 सेमी है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 और 20 सेमी है, 20 रुपया प्रति लीटर की दर से बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए, साथ ही इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए, 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेमी की दर से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक तो दूध का मूल्य ज्ञात करना है, पूरी बाल्टी भरनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले उस छिन्नक का हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। देखो वापस क्या क्या दिया गया है, ऊंचाई दे रखी है कितनी है 16, इसको तुम्हें लगा के लाना है, हम केवल बता दे रहे हैं। इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, और इसके बाद इसकी त्रिज्या कितनी कितनी है 8 और 20, ये 8 त्रिज्या दे रखी है और ये आपकी 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसका हमें आयतन निकालना है, क्योंकि दूध से भरना है तो आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए कौन सा लगाओगे, छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू इंटू एच, एच है, आर वन है, आर टू है, आपका लग जाएगा। जो आयतन निकलेगा उस आयतन में कितने रुपए का गुणा कर देंगे, 20 रुपया प्रति लीटर, तो इसको लीटर बना करके तब इसके बाद करना है। और अगर चाहो तो केवल पहला सवाल होगा, दूसरा सवाल कल से देखना।